हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का फोर्थ चैप्टर संघर्ष। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सोशियोलॉजी के 3 चैप्टर, उसकी प्लेलिस्ट वीडियो में चैनल पर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघर्ष का संपूर्ण चैप्टर जो कि मार्क्सवाद द्वारा दिया गया है। आइए तो शुरू करते हैं। मार्क्स के सिद्धांत को ऐतिहासिक की भौतिकता के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि मार्क्स से पूर्व इतिहास का मूल्यांकन किया गया था, किंतु आशावादी दृष्टिकोण के आधार पर या फिर विभिन्न राजाओं महाराजाओं शासन के रूप में। मार्क्स ने इतिहास को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसमें बताया गया है कि मार्क्स ने जो है वो संघर्ष को कैसे बताया गया है। मार्क्स ने जो संघर्ष का बारे में बताया है वो पहले जैसे राजा महाराजाओं के बारे में नहीं और ना ही आशावादी दृष्टिकोण के आधार पर। ये इन्होंने पहली बार इसे आर्थिक के आधार पर दृष्टिकोण को सर्वप्रथम प्रयास किया गया। उन्होंने इतिहास को विभिन्न युगों में बांटा और प्रत्येक युग को आर्थिक वर्गों में। इन्होंने जो है इतिहास को विभिन्न युगों में बांटा है और आर्थिक वर्गों में। उन्होंने संपूर्ण मानव इतिहास का उत्पादन साधनों और शक्तियों को समझा है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद की संकल्पना संघर्ष मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तुत की गई है। उनके लेखन एवं बौद्धिक मंथन में बराबर के सहभागी रहे फ्रेडरिक द्वारा इस संकल्प का निर्माता दोनों ने एक दूसरे को बताया है। इसमें जो इन दोनों ने मार्क्सवाद ने और इसके दोस्त ने उन्होंने आपस में इसके संघर्ष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद दार्शनिक विचार ना होकर आधुनिक सिद्धांत है जो समाज के विकास की व्याख्या विभिन्न युगों के माध्यम से करता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि समाज का विकास उन भौतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप होता है जिसमें मनुष्य रहता है। ये भौतिक परिस्थितियां ही सामाजिक संबंधों का निर्धारण करती है तथा इनकी प्रकृति गतिशील होती है। इन भौतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन ही युग परिवर्तन लाता है। यहाँ भौतिक परिस्थितियों के रूप में मार्क्स ने उत्पादन विधियों को प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या मार्क्स और एंजेलस द्वारा रूप में लिखी गई थी द जर्मन आइडियोलॉजी में 1845 से 1846 में, जिनका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से विभिन्न सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है। यह कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद एक ऐसा दार्शनिक विज्ञान है जो सामाजिक विकास के सामान्य नियमों पहलुओं एवं प्रकृतियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकतावाद की इस महान खोज ने विश्व के समूचे दृष्टिकोण में वास्तविकता क्रांति ला दी है, उसे एक झटके के साथ मोड़ दिया। इस खोज ने इतिहास को एक विज्ञान बना दिया। मार्क्स को यह मूलभूत ऐतिहासिक क्रम भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों में ही प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम मार्क्स ने ही इस रचना में यह विचार प्रस्तुत किया था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे का स्थान ग्रहण करता है। इसे परिणामित करने के लिए उन्होंने यह दिखाया गया है कि इतिहास के दौर में किस प्रकार आदिम समानति और पूंजीपति संपत्ति संबंध एक दूसरे के स्थान पर आते जाते रहते हैं। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इस ऐतिहासिक क्रम को समझने के लिए ऐतिहासिक भौतिकतावाद की भौतिकतावादी व्याख्या करना यहाँ आवश्यक है। इधर हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म टीरियर नगर के एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। उनके पिता वकील थे और उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की शिक्षा सन 1830-1835 तक टीरियर के एक अच्छे स्कूल में हुई। स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने के पश्चात मार्क्स पहले तो बोन और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय के कानून विभाग में दाखिल हुए। अपने आप विश्व कानून चुन चुका था।
लेकिन दार्शनिक और इतिहास में भी उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव था। पूंजीपति का विश्वास हो जाने के कारण यूरोप के कई देशों में समानताओं और भूप्रयासों के बीच संबंधों के आवेश आधिकारिक रूप में असह बन चुके थे। हर कहीं बड़े पैमाने के पूंजीपति उद्योग के जन्म और विकास के साथ साथ किसानों तथा दस्तकारों की दशा भी बिगड़ गई थी और सवेरा वर्ग पैदा हो गया था। यह एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। पेरिस में अगस्त 1844 के अंत में मार्क्सवाद और एंगेल्स का इतिहास मिलन हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते और इसके बाद उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। मार्क्स और एंगेल्स की संयुक्त रचना होली फैमिली प्रकाशित हुई, जिसमें वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य संबंधित थे। मार्क्स और एंगेल्स की कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बड़ा महत्व दिया। यह कांग्रेस सन 1847 में नवंबर के अंत और दिसंबर के आरंभ में लंदन में हुई थी। इसमें इन दोनों मित्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की स्वीकार कर लिया गया। और इनके द्वारा सन 1883 में उन पुरानी खांसी का हमला हुआ। इनके साथ ही कई और पेचीदगियां पैदा हो गई। उनकी हालत तेजी से गिरती गई और 14 मार्च 1883 को मार्क्स इस संसार से विदा हो गए। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें हैं कृत्या पोर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मेंसफी, ऐतिहासिक भौतिकतावाद की भौतिकतावादी व्याख्या। ऐतिहासिक भौतिकतावाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियम करता है। मार्क्स के अनुसार समाज के भौतिक जीवन की अवधारणाएं अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की रचना विचार राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती है। मार्क्स इस विचार से सहमत नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण या जनसंख्या आदि का कोई निर्णय प्रभाव हो सकता है। यह सच है कि समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण आता है। यह भी सच है कि भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन और उसके विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। फिर भी ऐतिहासिक भौतिकतावाद इस बात को स्वीकार नहीं करता है। भौगोलिक पर्यावरण का यह प्रभाव सब कुछ है, यह मुख्यतः इसके द्वारा ही समाज की संरचना सामाजिक व्यवस्था की प्राकृतिक है। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में परिवर्तन आदि निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निर्णय प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ऐतिहासिक इस बात का साक्षी होता है। भौगोलिक पर्यावरण के परिवर्तन का विश्वास विकास की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से सामाजिक परिवर्तन व विकास घटित होता है। उदाहरण स्वरूप यूरोप का भौगोलिक पर्यावरण सदियों से रहा है, जबकि पिछले 3000 वर्षों में उसी यूरोप में एक के बाद दूसरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का उद्भव विकास और पतन हो चुका है। जैसे आदिम समवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, समवर्ती व्यवस्था, पूंजीपति व्यवस्था और रूस में समाजवादी व्यवस्था। इससे यह स्पष्ट है कि भौगोलिक पर्यावरण सामाजिक विकास का प्रमुख या निर्णय कारण नहीं है, क्योंकि सदियों से प्राय अपरिवर्तित रहने वाला कारण अर्थात भौगोलिक पर्यावरण दो एक में जनसंख्या की वृद्धि में प्रमुख शक्ति है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद का उत्तर सामाजिक विकास पर जनसंख्या की वृद्धि का निर्णायक प्रभाव नहीं हो सकता। ये कारण है कि यह नहीं बता सकता कि ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था का स्थान अमुक सामाजिक व्यवस्था ने ही क्यों लिया, क्यों आदिम सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दास व्यवस्था का ही उदय हुआ, क्यों दास व्यवस्था का स्थान सामंतवादी व्यवस्था और सामान्य व्यवस्था का स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने लिया। अन्य किसी व्यवस्था ने जनसंख्या की वृद्धि की सामाजिक विकास का निर्णय कारण होता है। जिस जनसंख्या अधिक है वहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी उच्च कोटि की होगी,
परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण स्वरूप लगभग तापमान क्षेत्रफल हुए चीन के जनसंख्या का घनत्व अमेरिका से 4 गुना है, परंतु चीन कहीं अधिक सामाजिक विकास अमेरिका में हुआ है। उसी प्रकार भारत में जनसंख्या का घनत्व अमेरिका से 10 गुना है, परंतु यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ना तो पूर्णतः पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है। यदि भौगोलिक परिस्थिति या जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक जीवन के पहलुओं के निर्णय कारण नहीं है, तो वह कौन सी शक्ति है जो कि ऐतिहासिक घटनाओं, संस्कृतों, व्यवस्था, मनुष्य के नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संस्थाओं का निर्धारण करती है। अनुसार मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन के साधनों के भौतिक मूल्य, भोजन, कपड़ा आदि, मकान उदाहरण नीत है। संक्षेप में यह उत्पादन प्रणाली का ही प्रभाव है। व्याख्या अथवा इतिहास की उत्पादन प्रणाली द्वारा व्याख्या की जाती है। मार्क्सवाद का यह भी विश्वास नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था ने व्याख्या के विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं जिससे प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है। उनका कथन यह है कि इतिहास के निर्माण के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य जिंदा रहे और उसके जिंदा रहने के लिए उसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि भौतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है और उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के उपकरणों या साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के ये उपकरण जिनके द्वारा भौतिक मूल्यों का उत्पादन होता है, मनुष्य जो कि उत्पादन के उपकरणों का प्रयोग और उससे भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं। उत्पादन अनुभव व श्रमिक कौशल से सब एक साथ मिलकर एक समाज की उत्पत्ति करता है। उत्पादन प्रणाली का दूसरा पक्ष है मनुष्य का उत्पादन संबंध। मनुष्य की प्रकृति विरोध संघर्ष करता है और भौतिक मूल्यों के उत्पादन में प्रकृति से काम में लाता है, परंतु ये सब काम मनुष्य अकेला या अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि सब मिलकर समूह के रूप में, समाज के रूप में करते हैं। उत्पादन प्रत्येक समय में और प्रत्येक परिस्थिति में सामाजिक उत्पादन होता है। सामाजिक उत्पादन के सिलसिले में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर ही लेता है। मार्क्सवाद के शब्दों में उत्पादन में मनुष्य केवल प्रकृति के प्रति ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति भी क्रियाशील होता है, किसी न किसी तरह से सहयोग करते हुए अपने कार्यों के आपस में आदान प्रदान द्वारा ही वे उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए उन्हें परस्पर मिलना तथा एक दूसरे से निश्चित संबंध स्थापित करना पड़ता है और केवल इन्हीं सामाजिक मिलन तथा संबंधों के अंतर्गत हो उत्पादन पाता है। उत्पादन प्रणाली सर्वमुख विशेषता यही है कि अधिक समय तक एक स्थिति पर स्थिर नहीं रहती, इसमें सदैव परिवर्तन व विकास होता रहता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, विचारों, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है। विकास के विभिन्न स्तरों पर मनुष्य अलग अलग उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। आदिम साम्यवादी युग में एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली थी, दशम युग में दूसरे प्रकार की, साम्यवादी युग में तीसरे प्रकार की। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समाज के विकास का इतिहास वास्तव में उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास अर्थात उत्पादन शक्ति और मनुष्य के संबंध में रहा। नेक्स्ट है भौतिक वस्तुओं का महत्व। मार्क्सवाद ने विचारों की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया है। सेकंड, विरोधी भावों का संबंध। मार्क्स का कहना है सदैव विरोधी वस्तु होता है। थर्ड, अमूल परिवर्तन की अवधारणा, विरोधी संघ और गुणात्मक परिवर्तन, निषेध का निषेध। फोर्थ है परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। फिफ्थ है पूर्ण समग्रता की भावना। सिक्स, आलोचना की क्रांति। मार्क्स के द्विद्वंद भौतिकवाद की आलोचना की गई है। यद्यपि हीगल की तुलना मार्क्स का द्वितीय अधिक व्यवहारिक लगता है, फिर भी इसमें क्या कमियां हैं। अनेक विद्वान ने मार्क्स के द्वितीय भौतिकवाद की कड़ी आलोचना की है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में यह नहीं बताया कि पार्थ किस प्रकार गतिशील होते हैं। वेपर का कहना है मार्क्स अपने द्विवेदिंग भौतिकतावाद की व्यवस्था
अधिक स्पष्ट शब्दों में नहीं कर पाए और इनकी धारणा अत्यंत गुड और अपिष्ट है। सेकंड मार्क्स यह दावा करते हैं कि द्वितीय भौतिकवाद सत्य की खोज करने के लिए एकांतरिक पत्ति है। थर्ड मार्क्स का यह कथन है कि तर्क संगत नहीं लगता, देखने में समस्त भौतिक पदार्थ है। फोर्थ अनेक विद्वान जैसे फ्रेग मार्क्सवाद के कथन से सहमत नहीं है। फिफ्थ मार्क्स के द्वैतवादी भौतिकवाद की उपयुक्त उपधारणा है। सिक्स मार्क्सवादी मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं पर अधिक बल देते हैं। सेवंथ मार्क्स के प्रत्येक क्रांति का स्पष्टीकरण जीवन के भौतिक दशाओं में है। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवादी विचार के अनुसार मनुष्य साधारणतः एक सामाजिक प्राणी है, अधिक स्पष्ट और आधार रूप में वर्ग प्राणी है। दूसरे शब्दों में वर्ग का जन्म उत्पादन के लिए होता है, जैसे भौतिक उत्पादन के तरीके होते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग एक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी समाज में पद स्तर व साझा जीवन शैली होती है। इसकी रचना अनुवांशिक विशेषता छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर हो सकती है। वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिनकी उत्पादन प्रणाली का परिस्थिति पर होती है। नेक्स्ट है, मार्क्स ने सेवेरिक वर्ग क्लास इटसेल्फ जैसे बुजुर्ग वर्ग सर्व वर्ग में विभाजित किया गया है। वर्ग व्यवस्था आधुनिक उद्योगों समाजों खुले समाज की एक विशेषता है जिसका आधार अर्जित परिस्थिति है। वर्ग निर्माण के आधार बताए गए हैं। आदिम समुदायों में कोई वर्ग नहीं होता था। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते थे। जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण बहुत कुछ समान था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा वस्तुओं से लेकर करते थे, लेकिन आधुनिक समाज में नहीं है। मार्क्स के अनुसार समाज स्वयं अपने को वर्ग में विभाजित कर लेता है। यह विभाजन धनी और निर्धन, शोषक और शोषित वर्गों में होता है। आधुनिक समाज में आय के साधन के आधार पर तीन महान वर्गों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रथम है वे जो केवल श्रम शक्ति के आधार पर है, दूसरे पर वो है जो पूंजी के अधिकार पर है, तीसरे में है जमींदार लोग। इन तीनों वर्गों की आय के कर्मश मजदूरी, लाभ और लागत है। मजदूरी कमाने वाले मजदूर, पूंजीपति और जमींदार उत्पादन के पूंजीपति तरीकों पर आधारित आधुनिक समाज के तीन महान वर्ग हैं। आधुनिक युग में मार्क्स के अनुसार इन तीन वर्गों का जन्म बड़े पैमाने पर पूंजीपति उद्योग धंधों के प्रश्ने पर हुआ है। पूंजीपति क्रांति का यही प्रभाव सब प्रमुख परिणाम है। एक राष्ट्र में औद्योगिकरण तथा सम विभाजन के फलस्वरूप सर्वप्रथम औद्योगिक सम कृषि सम से और गांव शहर से हैं। और भी अधिक विस्तृत रूप में लागू होने पर व्यावसायिक उद्योग सम विभाजन प्रतीक हो जाता है। साथ ही सम विभाजन के आधार पर उपयुक्त विभिन्न वर्गों में निश्चित प्रकार के सम होते हैं। मार्क्स का मत है कि मूल रूप से आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज दो वर्गों पर सुख होता है। उदाहरण स्वरूप दासत्व युग में दो वर्ग दास और उनके स्वामी थे। सामंतिक युग में दो प्रमुख वर्ग, सब प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें एक वर्ग के हाथ में आर्थिक उत्पादन होता है, दूसरे वर्ग में शोषण करता है। वर्ग संघर्ष क्या है? वर्ग संघर्ष ऐसे व्यक्तियों के समूह में हिंसक विरोध को वर्ग संघर्ष का माना जाता है, जो न्यूनतम मात्रा में स्थायी रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा जिन्हें सार्वजनिक रूप से उनके परीक्षण सुविधाओं तथा परिस्थिति आधार पर भिन्न माना जाता है। ऐसे समूह की भिन्नता उनके अनुभव, धन संपदा, शिक्षा, राजनैतिक प्रभाव, जीवन शैली आराम से झलकती है। ये समूह प्रगतिशील तथा रूढ़िवादी जैसे होते हैं। निम्न एवं पिछड़े समूह उच्च सुविधा भौगोलिक समूह के शोषण में होते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष मतभेदों को प्रकट करता है। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, मार्क्स ने अति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि मार्क्स नहीं मानते। सर्वप्रथम उन्हीं का सिद्धांत है कि बेडमर के नाम से 5 मार्च 1852 के पत्र में मार्क्स ने इसी बात पर जोर दिया था। उनके ये सिद्ध करती है कि विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन विकास के ऐतिहासिक है।
पर संघर्ष का चरमोक आवश्यक है। अधिगम की यह अवस्था अपने अपने आप में है। और इसमें मार्क्स का एक कथन है कि शोषण नीति आयुष्टिक होता है। संक्षेप में शोषक सदैव एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परंतु अनवरत युद्ध करते रहते हैं। मार्क्स का कथन है कि ऐतिहासिक सत्य है कि उत्पीड़न की नई आवश्यकता को नवीन प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया है। एक संघर्ष का एक तत्कर्म महान विरोधी समूह में बट रहा है। इस पूंजी से उन्हें चीजों को खरीदता जो कि एक नए उत्पादन में आर्थिक रूप में सहायता होती है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक व विरोधी व वक्र संघर्ष। इसमें मार्क्स ने प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा कोई आंतरिक विरोध क्रियाशील है जिनके कारण पूंजीपति और श्रमिक के कठोर संघर्षों का तीव्र होना पड़ता है। पूंजीपति का विनाश आवश्यक होता है। सर्वप्रथम पूंजीपति व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और परिणाम स्वरूप जो भागीदारी संयुक्त पूंजी कंपनी होती है। दूसरे में क्या होता है, पूंजीपति व्यवस्था के अंतर्गत प्रगति स्थानीय एकीकरण की ओर जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु एक छोटे से स्थान पर लाखों मजदूरों को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार पारस्परिक संपर्क से मजदूरों को अपनी सामान्य कठिनाइयों और आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान होता है। तीसरे पर पूंजीपति उत्पादन की प्रगति अपने आधिकारिक व्यापक बाजार प्राप्त करने की ओर भी होती है। इसके लिए औद्योगिक संसार में भागों में यातायात के साधनों उत्तम होते हैं। चौथे में पूंजीपति प्रणाली समय समय पर आर्थिक संकट पैदा करती रहती है। मजदूर की एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता होते हैं और उन्हें केवल उतना ही वेतन मिलता है जितने में वे अपने उत्पादन का एक अत्यंत सीमित भाग ही खरीद सकते हैं। जो जो पूंजीवाद का विकास होता है तो समय समय पर उत्पादन और वाले संकट तीव्र होते हैं। मार्क्स अनंत में पूंजीपति के अंतर्गत एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें मजदूरों के दुख दयनीय प्रदनता वृद्धि होती है। वह दूसरी ओर पक्षम बचाने वाले मशीनों के विकास द्वारा आवश्यक मजदूरों की संख्या कम हो जाती है जो बढ़ते हुए उत्पादन को खरीदने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति आधुनिक समाज में तीन वर्गों में केवल श्रम शक्ति सरकार पूंजीपति है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या। मार्क्स में सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब से मानव समाज प्राचीन हुआ है साम्यवादन को बेचने खरीदने वाले में प्रक्रिया का वर्णन है। मार्क्स की व्याख्या का इस केंद्रित प्रकार बताया गया है। कोजर का सामाजिक संघर्ष है। इसमें उन्होंने जो लोग हमारे निकट हैं उन्हें या तो हम प्रेम करते हैं या घृणा की दृष्टि से देखते हैं। घृणा और संघर्ष के पाए जाने का यह अर्थ नहीं है हुआ कि संबंध टूट गए हैं। परिवार में बच्चे एक पल अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते हैं तो दूसरे पल उन्हें प्रेम करते हैं। सामाजिक संघर्ष के प्रकार। कोजर के अनुसार वास्तविकता संघर्ष होता है। यह संघर्ष तार्किक होता है। इसमें लोग संघर्ष को अपनी इच्छा पूर्ति का एक सख्त साधन मानते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तविकता संघर्ष को अपनाने का कारण तार्किक होता है, कोई आवेग नहीं। जो कुछ निश्चित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन छात्र संगठन होते हैं, इसी कारण कोजर ने इसे वास्तविकता संघर्ष कहा है। कोजर के द्वारा जो संघर्ष को बांटा गया, पहला पॉइंट वास्तविकता संघर्ष है, सेकंड अवास्तविकता संघर्ष है। एक संघर्ष एक प्रसार से लोगों के मन के रोष की अभिव्यक्ति करता है। यह संघर्ष किसी लक्ष्य पूर्ति या इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होता बल्कि उनके जो मन में भेदभाव की भावना होती है उसके लिए होता है, जैसे प्रदर्शन तोड़फोड़ आदि होती है। कोजर ने दूसरे संबंध में संघर्ष का एक वर्गीकरण किया है, बाहरी संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। यह संघर्ष बाहरी समूह या समाज से आता है, जैसे हमारे देश पर जब कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, यह बाहरी संघर्ष है। बाहरी संघर्ष की दशा में समूह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने आप को सुगर कर लेता है। कार्ल मार्क्स और जॉर्ज सिमेल की भांति कोजर ने भी यह मत
व्यक्त किया गया है कि बाहरी संघर्ष समूह या वर्ग को सुदृढ़ बना देता है, उन्हें आपस में मजबूत बना देता है। सेकंड है आंतरिक संघर्ष, यह वह संघर्ष होता है जो समूह के अंदर होता है और जब समूह के एक या अनेक व्यक्ति समूह के मानकों का पालन नहीं करते और समूह ऐसा अनुभव करने लगे कि ऐसा आचरण समूह के हित में नहीं है तो समूह के हानिकारक होता है, तब समूह द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। पूजा का विचार है कि आंतरिक संघर्ष समूह की जीवित रहने की शक्ति में वृद्धि करता है। सामाजिक संघर्ष के प्रकार बताए उन्होंने, कोजर के अपनी पुस्तक में लिखी है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष का परिणाम अंतर्गोलिक सामाजिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह होता है, संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि समाज का नवीनतम करता है। थर्ड पॉइंट है समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कोजर का जीवन परिचय दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। कोजर के संघर्ष के कारण प्रस्ताव, संघर्ष के कारण संबंधित प्रस्ताव बताए गए। जब समाज के अधिकांश अधीन सदस्य समाज में व्यक्त असमान व्यक्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जब कुछ अधीनता लोगों के अभाव गरीबों और जनमत को बना देती है। हिंसक में बताया गया है कि जब वास्तविक मुद्दे और समस्याओं को बताया गया है और मुद्दों के कारण हिंसा होती है। संघर्ष के उद्देश्य से जुड़े प्रस्ताव है। कोजर के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है और इसमें प्रश्न उत्तर यही है कि फर्स्ट पर्सन संस्कृत में मार्क्सवाद का जीवन परिचय है, सेकंड मार्क्सवाद का द्विवेदी है, इसमें उन्होंने दो भागों में बांटा गया है, इनको आप पढ़ सकते हो, उन्होंने पूरे पैराग्राफ पढ़ा दिया। थर्ड मार्क्सवादी ऐतिहासिक है, फोर्थ वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं, सिक्स मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये सभी आपको इसमें पहले ही मिल जाएंगे। और ये सेवन्थ है, एट्थ है कोजर का सामाजिक संघर्ष कौन, नाइन्थ है कोजर के आंतरिक संघर्ष, टेंथ कोजर के सिद्धांत का समूह बंधन। ये दो दो नंबर क्वेश्चन थे, इससे नीचे से 16 नंबर के क्वेश्चन है 16 नंबर के, और इनको आप पढ़ सकते हो। इनकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।